हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन बच्चों। इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7 का जो 29th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा 28th नंबर की तरह डेसिमल वाला है, तो जैसे कि मैंने आपको वहां पर ही बताया था कि डेसिमल से अगर आप घबराते हो तो सबसे पहले एक काम करना कि डेसिमल को गायब कर देना। तो आइए यहाँ पर भी हम वही ट्रिक लगाएंगे और डेसिमल को गायब करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है और सबसे पहले आपको क्या देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पर भी जो है उसमें भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यानी कि अगर अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेसिमल बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग पूरे लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट हैंड साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको आप इस तरीके से एक बार लिखना, ब्रैकेट लगा लेना, 2.43 माइनस एक्स माइनस में 0.6 2x माइनस में 3, ठीक है, ब्रैकेट इधर क्लोज कर दो। और यहाँ पर बाहर में जो है ना टोटल टोटल का 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। अलग अलग यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई मत कर देना, कर भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो बाहर अपन 10 लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड भी 0 है उसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। अब देखो इससे फायदा क्या है, ब्रैकेट लगाने से फायदा क्या है कि आप चूंकि हम लोग जानते क्या हैं कि अब ब्रैकेट के अंदर ये हमारा एक टर्म है और ये हमारा एक टर्म है, बीच में माइनस की साइन है ना, यानी कि ये पूरा पूरा एक टर्म हो गया और ये पूरा का पूरा एक टर्म हो गया। तो 10 का जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 10 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो बस ये जो हमारे डेसिमल्स हैं वो हट जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 2.4 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, फिर माइनस का ये 0.6 है उसके साथ भी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, और ब्रैकेट में 2x माइनस में 3 और इक्वल के उस साइड में 0 10 0 हो गया। बस अब देखो 10 से मल्टीप्लाई हम लोग कर क्यों रहे थे, ताकि हमारा डेसिमल 1 डिजिट आगे निकल जाए, तो बस वही करेंगे हम लोग। यहाँ पर डेसिमल बाहर निकल जाएगा तो ये पूरा पूरा 24 बन जाएगा और इधर हमारे पास 3 माइनस एक्स हो जाएगा। सेम उसी तरीके से डेसिमल यहाँ पर भी बाहर निकल जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने की वजह से, तो ये 0.6 आ जाएगा जिसको हम लोग पूरा पूरा 6 लिखेंगे। 0.6 का मतलब क्या होता है, 6 ही तो होता है ना, और उसके बाद ये हो जाएगा 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जाएगा हमारा 3 4 12 का 2 कैरी हो गया 1, 3 2 6 और 1 7 यानी कि 72 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, 24 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 24x हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस माइनस, 6 2 12x, ठीक है, और माइनस और माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, सॉरी हाँ माइनस माइनस 7 जो होगा प्लस का हो जाएगा और 6 3 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 18 इक्वल के उस साइड में हमारे पास 0 आ गया। अब नंबर्स को आप एक साथ सॉल्व कर लो और जो एक्स एक्स है उनको सॉल्व कर लो और फिर ट्रांसफर करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो 72 भी प्लस में है और 18 भी प्लस में है, लेफ्ट साइड में जो साइन होता है ना वो उस नंबर का साइन होता है, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर बीच में माइनस की साइन है तो ये 24 की है, ठीक है, तो ये भी प्लस हो गया ये भी प्लस हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 72 और 18 कितना हो जाएगा, 8 और 72 हो गया 80 और 10 90, तो यहाँ पर 90 आ गया और ये भी हमारे माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 24 और 12 कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इतना आ गया। अब चूंकि अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, पहले 90 को उधर ट्रांसफर करो, तो माइनस 36 एक्स रहेगा ही, इधर जाकर के ये माइनस 90 हो जाएगा, माइनस और माइनस जो है साइन हमारे कैंसिल हो गए। अब एक्स जो है हमारा उसको निकालना है तो 36 भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 90, 36 चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के 36 डिवाइड में हो जाएगा। 18 से दोनों कट हो रहे हैं, देखो जितना बड़ा नंबर है ना उतने बड़े नंबर से कट करो, छोटे से भी कट करोगे तो लास्ट में उतना ही आंसर आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि 2-3 बार कट करना पड़ता है, और बड़े नंबर से कट करोगे तो एक ही बार में काम हो जाएगा। जैसे देखो 18 से कट हो रहे हैं ना दोनों, 18 2 जा 36 और 18 5 जा 90, तो कितना आ गया हमारा 5/2 आ गया। लेकिन चूंकि ये हमारा डेसिमल वाला क्वेश्चन है तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में नहीं बनाएंगे, नहीं तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको भी अपन डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट कट कर दो, दूसरा है कि साइड में जाकर के इस तरीके से 5 को 2 से डिवाइड करके इसको डेसिमल वैल्यू लिखो। मैं डायरेक्ट कट करके दिखा देता हूँ आपको, देखो ये इस तरीके से कट होगा, 2 1 जा 2 ऊपर में आ जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास 5 था, 4 हमने कट किया तो बचा कितना, 1 बचा है ना, तो बस यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, उस 1 में 0 बढ़ा देंगे, तो 2 5 जा 10 आ जाएगा। आप डिवाइड भी करोगे तो उतना ही आएगा, देख लेना। तो ये हमारा जो x का वैल्यू यहाँ से ये 2.5 निकल गया। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और अपने आंसर को चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं, वो पेज फुल हो गया था, तो इस तरीके से लिखना लेफ्ट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है उसको पूरा उतार लो, और इस बार आप इसमें इक्वल की साइन भी लगा सकते हो क्योंकि अपन यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर ये हमारा जो एक्स जहाँ जहाँ पर आया है ना, तो एक्स की वैल्यू जो 2.5 हमने निकाला है वो पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा 2.4, 3 माइनस में 2.5, फिर इधर माइनस 0.6 और फिर 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 2.5 हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी रहने दो, अभी 2.4 को अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 3 में से 2.5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा,
समझ में आया कैसे मैंने बताया? इसको आप अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं आपको माइनस करना सिखाई देता हूँ। 3 है ना, उसमें से अपने को 2.5 यानी डेसिमल वाला नंबर माइनस करना है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 3.0 लिखोगे इस तरीके से। फिर 2.5 ऐसे माइनस किया जाता है, समझ में आया? यानी कि अगर आप डायरेक्ट इसको अगर यहाँ पर इस तरीके से 3 और 2.5 ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से कभी कभी भी माइनस वाला करना रहे ना, या फिर प्लस भी करना रहे, तो जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने डिजिट पर आप भी क्या करो, डेसिमल के बाद 0 लगा दो। तो 0 में से 5 माइनस हो नहीं सकता, बोरो करके 10 बन जाएगा, 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ 2 बचा है, तो 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0 आ गया, और बीच में डेसिमल उतर गया तो 0.5 आ गया ना, तो वही मैं बोल रहा था। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई 0.5 कर देंगे डायरेक्ट, ब्रैकेट भी ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई की साइन भी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर एक मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है। उसके बाद ये जो माइनस हमारे पास 0.6 है, उसको एज इट इज उतार लो, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो, ठीक है? तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा हमारा 2.5 से, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जो 4 हो जाएगा, और 0.5 आधा हो जाएगा इसका 1, यानी कि 5 आ जाएगा। देखो 5 कैसे आ रहा है वो समझा रहा हूँ मैं आपको। 2.5 मल्टीप्लाई जब 2 करोगे आप, तो 2 5 जो 10 का 0 हो गया, कैरी हो गया 1, तो 2 2 जो 4 और 1 हो जाएगा हमारा 5। लेकिन राइट हैंड साइड की बात, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर भी हम लोग डेसिमल लगाएंगे, तो 5.0 आ गया, जिसको हम पूरा पूरा 5 बोलते हैं। तो ये 5 बन गया, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो बस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 कर दो। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा कितना होने वाला है, 2.4 है और 0.5 है, यानी कि आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कितना होगा, 1.2 हो जाएगा। समझ में कैसे किया मैंने, ये सब ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या है कि 0.5 का मतलब ही क्या होता है, आधा, ठीक है? जैसे 1 का मतलब होता है पूरा, ठीक है, उसी तरीके से 0.5 का मतलब होता है आधा। तो 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उस नंबर को आधा कर देना। तो 24 का आधा कितना होता है, 12 होता है, तो 2.4 का आधा 1.2 हो जाएगा, एकदम सिंपल। बाकी आप अगर आपको अपने माइंड में अगर डाउट हो रहा है कि कैसे आया इतना, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करोगे तो जाकर के आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लेता हूँ, 2 6 है मेरा 12 हो जाएगा, और 2 0 0 ही रहेगा, तो 12 लिख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 डिजिट बाद डेसिमल है, तो इधर भी हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो देखो 1.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा, और वही तो हमारे पास राइट हैंड साइड में कितना दिया था, 0 ही तो दिया हुआ था ना। कहाँ दिया वाला क्वेश्चन, ये देखो जो हमारे पास राइट हैंड साइड में दिया था वो 0 ही दिया हुआ था, तो बस हमारा 0 आ गया। इसका मतलब जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है। तो आप लास्ट में इस तरीके से जरूर लिख लेना कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेसिमल वाले से घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आप उसको सिंपली इस तरीके से कन्वर्ट करो होल नंबर में, यानी कि डेसिमल को गायब कर दो, सॉल्व कर लो नॉर्मल तरीके से, और फिर लास्ट में जो भी एक्स की वैल्यू निकल जाए, एक्स वाई जो भी दिया है उसकी वैल्यू निकल जाएगी, उसको पुट करके आपको चेक कर लेना है, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।